विद्यार्थियों, डीएवी मोबाइल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी के व्याकरण खंड के अंतर्गत पढ़ाने जा रहा हूँ समास। इसके पहले भी समास के सभी प्रकारों के बारे में मैंने वर्णन किया था। आइए देखते हैं समास के आज अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीही समास, इसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं समास का तात्पर्य। जैसा कि आपको पहले बताया था कि समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना, संक्षिप्त करना। बड़े जो हम वाक्यांश या शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको संक्षिप्त रूप में संक्षिप्त करना, ये समास का तात्पर्य है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को होता है। आइए देखते हैं समास के भेद के अंतर्गत अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीही समास। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें जो पहला पद होता है जिसको हम पूर्व पद कहते हैं वह मुख्य होता है और वह अव्यय हो। ऐसे शब्द अव्यय होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं जिनके और टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे यथामति, मति के अनुसार, आमरण, मृत्युत्तर। इनमें यथा और या अव्यय, जैसा कि आप देख रहे हैं। कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं आजीवन, जीवन भर। इसमें जो आ अक्षर लगा हुआ है वह अव्यय शब्द है। यथा सामर्थ्य, ये यहाँ पर हमने समास का विग्रह किया है। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यहाँ पर यथा, यथाशक्ति, यथा शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार, इसमें भी यथा जो अव्यय है उनका प्रयोग हुआ है। यथा क्रम, यहाँ पर भी यथा का प्रयोग हुआ है क्रम के अनुसार। भर पेट, भर यहाँ पर अव्यय शब्द है, पेट भर कर। इस प्रकार से इनका पहला पद प्रधान होता है और यह अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखते हैं द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद, पूर्व अर्थात पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, और द्वितीय पद जो होता है वह समूह का बोध कराता है, समाहार का बोध कराता है। इस प्रकार से यह द्विगु समास हुआ। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं यहाँ पर समस्त पद समास विग्रह लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखें नवग्रह, नवग्रह अर्थात नौ ग्रहों का समूह। यहाँ पर नौ संख्या में है और समूह को दर्शाने वाला है। उसके बाद देखें त्रिलोक, त्रिलोक में तीन लोकों का समाहार। अब यहाँ पर तीन जो है वह संख्या है, जैसा कि परिभाषा में कहा गया है। नवरात्र, नौ संख्या में है, नवरात्रियों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समूह। यहाँ पर आठ जो शब्द प्रयोग हुए हैं वह इसमें है संख्या में। अब यहाँ पर और उदाहरण लिए हमने, देखिए दोपहर, दोपहरों का समाहार, यहाँ पर दो। इसी प्रकार चौमासा में चौ, शताब्दी में शत, त्र्यंबकेश्वर में त्रय। तो ये दो, चार, सौ, त्र्यंबकेश्वर में त्रय अर्थात तीन, ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं और बाकी द्वितीय पद समूह को दर्शाने वाले होते हैं। जैसे इसका विग्रह करेंगे, दो पहरों का समाहार, चार मासों का समूह, सौ अब्दों का समूह, चार मासों का समूह, दो पहरों का समूह, तीन लोकों का ईश्वर, त्रिलोक अर्थात तीन लोक, तीन की संख्या को बता रहे हैं और तीन लोक के समूह के बारे में अवगत करा रहे हैं। इस प्रकार से यह कौन सा समास हुआ,
द्विगु समास। आइए अब देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम और द्वितीय पद अर्थात पूर्व और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, साथ में विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, यह द्वंद्व समास कहलाता है। अधिकतर और या का प्रयोग किया जाता है, जैसे पाप पुण्य, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रथम पद पाप और पुण्य दोनों मुख्य है, दोनों अपने अपने में पूर्ण है, दोनों पद प्रधान हैं, पाप और पुण्य इनका विग्रह किया। अन्न जल, अन्न और जल, सीताराम सीता और राम, करा खोटा करा और खोटा, ऊंच नीच ऊंच और नीच, राधा कृष्ण राधा और कृष्ण। तो इस प्रकार सभी में देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो यह और या अथवा रूप में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। और इनके दोनों पद प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं। तो ये हुआ द्वंद्व समास। चौथा देखते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात पहला और दूसरा, प्रथम और द्वितीय पद दोनों प्रधान नहीं होते हैं, ये तिथि पद की ओर इंगित करते हैं। इनके समस्त पद कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, देखिए दशानन, दस है आनन मुख जिसके अर्थात रावण। तो यहाँ पर दशानन, दस ही दस मुख वाले के रावण के बारे में बताया जा रहा है। नीलकंठ, नीला है कर्ण, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, पीताम्बर पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, लंबोदर लंबा है उदर या पेट जिसका अर्थात गणेश जी, दुरात्मा बुरी आत्मा वाला दुष्ट, श्वेतांबर श्वेत है जिसके अंबर वस्त्र अर्थात सरस्वती जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु उनका विग्रह करते समय वह तीसरे को संकेत करता है, तीसरे अन्य को संकेत करता है। जैसे यहाँ पर हम कहेंगे कि दशानन, अब यहाँ पर दस आ गया तो संख्यावाची द्विगु समास भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम विग्रह करते समय जैसा उनका विग्रह करेंगे उसके आधार पे उनका समास होगा। जैसे दस है आनंद जिसके अर्थात यहाँ पर रावण लिखे, दस आननों का समूह लिखेंगे तो वह द्विगु समास में चला जाएगा, परंतु यहाँ पर हम पूर्ण रूप से इसका विग्रह करेंगे, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, ऐसे तो यह बहुव्रीहि समास में होगा। इस प्रकार से ये चार समास के बारे में आज हमने जाना। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब अभ्यास कार्य, प्रश्न क्रमांक एक, समास की परिभाषा लिखिए जैसा कि ऊपर मैंने पहले बताया संक्षिप्तीकरण के बारे में। दूसरा, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न अभ्यास कार्य के अंतर्गत अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।